जानते हो इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख है। इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बनकर आता है, तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है। एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। अगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। अरे सुख तो बेवफा तवाइफ की तरह है, जहां जिसके पास कल उसके पास। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तमाम। इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता चला जाता है, दुख तो अपना साथी है, अपने साथ। वक्त से पहले सपने देखना बंद करो, क्योंकि सपनों का परिंदा बहुत ऊपर उड़ता है, इंसान उतना ऊपर नहीं उड़ सकता है। इंसान को चाहिए कि उतना ही ऊपर उड़े जहां से वापसी में उसके पर साथ दे सके, उतरते वक्त टूट ना जाए। क्या मां, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो, ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तू मेरे खिला रही हो? अरे चाचा तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ, इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी हैं। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है, राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है, राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासी खाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना तो तुम मेरे पैसा नहीं करती हो। अरे साला इस संसार में कौन भिखारी नहीं है, सब भिखारी है। हम पेट के भूखे हैं, रोटी के पीछे भागते हैं इसलिए रोटी की भिखारी है। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी है। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं क्योंकि ये वोटों की भिखारी है। मगर आज स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया और सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था, पर वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया, उसने तो बहुत चिल्लाया कि शेर आया, मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं आया। वही हाल मेरा भी है सर, कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं सच बोल रहा हूं तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। हरा शेर बनकर मुझे खा रहा है, मगर जमाना मेरी हालत पे मुस्कुरा रहा है।